तो आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं क्लैश ऑफ क्लैंस। अरे यार एक मिनट, मैं तो डेली सिर्फ क्लैश ऑफ क्लैंस ही तो खेलता हूँ, मेरे लाइफ में कोई और दूसरा गेम है भी तो नहीं, मैं कितना अकेला हो गया हूँ। डोरेमोन तुम कहाँ पे हो? एक मिनट, मैं मजाक कर रहा था यार, मुझे अभी डोरेमोन नहीं चाहिए, मेरे लिए तो मेरा इनविजिबल ट्रूप है और वो ट्रूप मेरे लिए काफी है, जो फिलहाल आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा ऑफ कोर्स क्योंकि वो इनविजिबल है। तो यस, आई हैव माय डोरेमोन, आई हैव माय इनविजिबल ट्रूप। यो, गुड मॉर्निंग क्लैशर्स, सभी का स्वागत है फिर से क्लैश ऑफ क्लैंस के एक और नए अमेजिंग एपिसोड में। और आज वाली वीडियो शुरू करने से पहले बात करेंगे आज के हमारे वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में। तो आज के हमारे वीडियो को स्पॉन्सर किया है रम्मी कल्चर ऐप ने। सीक्रेट वाली बात बताऊं, ये ऐप बहुत ही बढ़िया है, इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए सबसे पहले लिंक पे क्लिक करके। तो इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले इसको आपको रजिस्टर करना पड़ेगा आपके मोबाइल नंबर से, और जैसे आपको रजिस्टर कर लोगे आपके सामने एक पेज खुलेगा जहां पे आपको फ्री में 10 रुपीज दिया जाएगा, मतलब आपको लगातार 7 दिन लॉगिन करना है। अगर आप इस ऐप को 7 दिन लॉगिन करके गेम खेलते हो तो आपको एट द एंड 300 रुपीज ऐप की तरफ से ही मिल जाएगा, मतलब कंटिन्यूअसली। उसके अलावा अगर आपको गेम खेलना है तो आपको उसके लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा एड मनी पे, क्योंकि ऑफकोर्स पैसा डालोगे तभी आपको पैसा मिलेगा। तो अभी मैं जैसे फिलहाल जा रहा हूँ एड मनी पे, यहाँ पे मैं चूज कर सकता हूँ, मैं फिलहाल 100 रुपीज चूज कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, बट मैं पेटीएम पे जाता हूँ जो मैं यूज करता हूँ, और पेटीएम के दाके मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो ऑफ कोर्स जब आपका पेटीएम लिंक हो जाएगा आपको ऑटोमेटिकली ये जो आपका पेटीएम मनी है इसमें ऐड हो जाएगा, फिर इस पैसे से आप गेम खेल सकते हो। तो अभी फिलहाल मैं आपको दिखाने वाला हूँ गेम खेलते कैसे हैं, जैसे कि मैं अभी 25 रुपीज वाला एक मैच खेलूंगा टूर्नामेंट सेक्शन में। तो ये रहा मैच, और अगर मैं इसको कर दूं स्टार्ट तो देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट विनर को कितना प्राइज मिलेगा, सेकंड विनर को कितना प्राइज मिलेगा, मतलब ये बहुत ही तगड़ा ऐप है थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके ज्यादा पैसे कमाने का। तो जैसे यहाँ पे मैच शुरू होता है तो ऑफ कोर्स टीम में जितने मेंबर्स होते हैं बारी बारी उनका ताश दिखाया जाता है, और जो विनर होता है उसको ऑफ कोर्स प्राइज अमाउंट मिलता है। अगर आपको ये गेम नहीं समझ में आती तो इसके लिए एक प्रैक्टिस मोड भी दिया गया है जहां पे आप प्रैक्टिस करके गेम को इजीली सीख सकते हो। इस गेम को आपको दिन भर में लगभग 4 बार खेलना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स यहां पे स्पेशल ऑफर भी है जहां पे अगर आप मंथली मिलियनेयर टूर गेम खेल सकते हो, जहां पे आप जीत सकते हो 1 करोड़ तक का कैश प्राइज अमाउंट। उसके अलावा इस ऐप को अगर आप डेली लॉगिन भी करते हो तो आपको गारंटीड 300 रुपीज मिलेगा। बेस्ट ऐप है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करना, डाउनलोडिंग आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी। तो बहुत दिन हो गए यार, हम लोगों ने अपने बेस में कुछ किया नहीं, और लूट तो देखो कितना ज्यादा है, 2.5 एलिक्सर तो बिल्कुल फुल हो चुका है हमारे पास। सो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास 3 बिल्डर तो खाली है, उसके अलावा गाइस आपको पता है आज कौन सा इवेंट आया है? तो इस बार आया है ये कौन सा इवेंट है यार, लोड शायद इनविजिबल ट्रूप का इवेंट है इसलिए हमें दिखा नहीं रहा, लेकिन गाइस हमें मिला है माइनर इवेंट। और माइनर इवेंट मतलब क्या होता है सभी जानते हो? ऑफ कोर्स इनविजिबल ट्रूप हमारा फेवरेट ट्रूप, और इस बार गाइस हम लोग कुछ चीटिंग नहीं करेंगे, हम लोग हाइब्रिड अटैक पे नहीं जाएंगे, क्योंकि माइनर जब भी हम यूज करते हैं तो हम लोग ज्यादातर हाइब्रिड यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं हाइब्रिड इस बार यूज नहीं करूंगा, बल्कि इस बार मैं यूज करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ माइनर को। मैंने ट्रूप रिवील कर दिया ना, तो हाँ ये था हमारा ट्रूप, और हम लोग स्पेल्स में डालने वाले हैं। स्पेल्स में 2 रेज स्पेल ले जाएंगे, 3 हीलिंग स पेल ले जाएंगे, 1 फ्री स्पेल ले जाएंगे, और कुछ नहीं, और बस इतना ही है। और फिलहाल जब तक ट्रूप कुक हो रही है, मेरे पास देखो यार डार्क एलिक्सर बहुत ज्यादा है, एलिक्सर भी बहुत ज्यादा है, गोल्ड भी ठीक ठाक ही है, तो हम इसको इन्वेस्ट करेंगे। तो हम लोग इसको कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? पहली बात, अगर मैं यहाँ पे लैबोरेटरी देखूं तो मेरे लैबोरेटरी में मैं डाल तो सकता हूं, लेकिन अगर मैं लैबोरेटरी को डाल दूं तो मेरे पास एक एक्चुअली बुक ऑफ हीरो पड़ा हुआ है यार, अगर ये बुक ऑफ हीरो मैं यूज नहीं कर पाया तो बहुत बुरा लगेगा मेरे को, मैं क्या करूं, मैं कंफ्यूज हूं थोड़ा यार। देखो हम क्या करते हैं कि एलिक्सर से हम कोई ट्रूप डाल देते हैं, डार्क एलिक्सर से क्वीन अपग्रेड कर लेते हैं, मतलब सही रहेगा ना, मेरे ख्याल से तो सही रहेगा। ओके मैंने सोच लिया मेरे को क्या करना है, तो मैं सबसे पहले इस क्वीन को अपग्रेड करूंगा जो जाएगा 7 डेज के लिए, बल नहीं जाएगा क्योंकि एक्चुअली मेरे पास बुक का फिरो पड़ा हुआ है। सो क्वीन को हम अपग्रेड पर डालते हैं, ये जाएगा 7 डेज के लिए, 1 2 3 बूम, और ये मैं करता हूँ क्वीन को अपग्रेड, 1 2 3। अब बच्चा एलिक्सर, अब एलिक्सर से कौन सा ट्रूप डाल सकता हूँ? बेबी ड्रैग, मैं एक्चुअली बीस्ट को डालने वाला था, लेकिन ओ माय गॉड मेरे पास इतना एलिक्सर नहीं है। इतना एलिक्सर हो सकता है, शायद मेरे लैबोरेटरी में कुछ मिल जाए मेरे को पता है मेरे लैबोरेटरी में कुछ नहीं होगा, मेरे को पक्का पता है।
चलो एटलीस्ट कुछ नहीं से सही कुछ तो है। अरे नहीं हुआ, ये ले रहा है 11 मिलियन एलिक्सर और मेरे पास अभी 10 मिलियन है। मतलब एक अटैक मार के आ जाए तो हो सकता है उतना हो जाए हमारे पास। ठीक है ठीक है, एक अटैक करके आएंगे, लेकिन हमारे पास गोल्ड बचा है। गोल्ड को किस पे डाल सकते हैं हम लोग? न्यू इन्फर्नो, मतलब उसके अलावा क्या डाल सकते हैं? विजार्ड टावर को डाल सकते हैं क्या? विजार्ड टावर बहुत महंगा है यार, आजकल सब महंगा हो गया। एक्सबो को डाल सकते हैं। अरे यार एक्सबो भी बहुत महंगा यार, हमारे औकात क्षेत्र से बाहर है सब कुछ। सो गाइस यार कुछ भी अपग्रेड नहीं कर रहे, हम लोग जाने वाले एक अटैक पे और हमारा ट्रूप रेडी है। लेट्स फाइंड द बेस। ओह माय गॉड डैमन गाइस, हमें एक बेस मिल चुका है और इस बेस का नाम है वन पंच। इसको हम एक पंच देंगे। सो इसके पास टाउन हॉल 12 का है, लेवल 14 का क्लाइन है, सीरियसली तो इस बेस पर अटैक कर सकते हैं। डार्क एलिक्सर तो देखो, डार्क एलिक्सर देख के मेरे मुंह से पानी निकलने लगा। सो लेट्स गो गाइस, वी विल अटैक दिस बेस। आई अटैक फ्रॉम अ वेयर साइड, मतलब यहाँ पे हील इसका क्वीन है 55 लेवल का। क्वीन के साइड से अटैक करना सही रहेगा क्या? ठीक है ठीक है, मैं क्वीन के साइड से अटैक करने वाला हूँ। मालूम नहीं क्या होगा, लेकिन जो भी होगा देखा जाएगा। ओके अरे मैं भूल गया, मेरे पास बैड कॉम्बो नहीं है, मेरे पास ये वाला ड्रूप है। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है यार। ओके मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो अबे भाई 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 हार्ट अटैक मत दे। क्वीन को छोड़ूंगा, क्वीन को छोड़ूंगा, फिर क्वीन के पीछे 4 हीलर छोड़ूंगा, किंग को छोड़ूंगा, विजार्ड छोड़ूंगा 2 यहाँ पे, और एक बेबी ड्रैग छोड़ूंगा, एक पेका छोड़ूंगा, और जंप स्पेल छोड़ूंगा यहाँ पे। क्वीन प्लीज प्लीज घूमना मत, क्वीन घूमना मत, सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। अबे तेरे को मेरी कसम, तेरे को मेरी कसम, क्वीन बेकूफ, अंदर जा क्वीन, अंदर जा। हो 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 बाप रे बाप, किंग का एबिलिटी यूज और क्वीन सही जा रही है। पहला रिस्पेल यहाँ पे यूज कर दूं क्या? कर देता हूँ, चलो क्वीन वर्सेस क्वीन हो जाएगा। पहला रिस्पेल मैंने यूज कर दिया, यहाँ पे सिंगल इन्फर्नो है क्या? मैंने देखा नहीं। अब मेरी बैंड बच सकती है अगर मैंने यहाँ पे सिंगल इन्फर्नो को क्या बोलते उसको नजरअंदाज किया तो। क्वीन प्लीज इन्फर्नो को ले यार बेकूफ क्वीन, एबिलिटी यूज कर लेता हूँ, इन्फर्नो चलाई जाएगा। चलो क्वीन की एबिलिटी से मेरे पास 3 रेस्पेल कहां से आए भाई, मेरे पास 2 होने चाहिए थे मेरे ख्याल से तो। ठीक है कोई बात नहीं, चलता है। तो मैं यहाँ पे छोड़ूंगा स्टोन स्लैमर को। ठीक है अबे स्टोन स्लैमर नहीं क्या बोलते उसको, सीज बराक को। अब मैं यहाँ पे छोड़ूंगा सारे के सारे माइनर्स को। माइनर चल 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 मेरे दोस्त, माइनर छोड़ दिया मैंने, माइनर के पीछे हीलर वार्डन और एक हिल्स पे यहाँ पे डालता हूँ मैं। कहाँ चली गई माइनर? क्वीन के पीछे क्या यार, माइनर पगला गया है बे, किधर घूम रहे हो यार? माइनर इनविजिबल होता है, मेरे को दिखाई भी नहीं देता कहाँ पे घूम रहा है। ओके यहाँ पे माइनर्स में यहाँ पे हीलिंग स्पेल डालूंगा, मेरे को माइनर कसम से गाइस दिख नहीं रहा, बिल्कुल इनविजिबल हो चुका है माइनर्स। ओ मेरे पास हीलिंग नहीं है, मैंने गलती कर दी 2 हीलिंग स्पेल वहां पे इस्तेमाल करके। भाई प्लीज मरना मत, प्लीज मरना मत। भाई मारो मुझे मारो। क्या लगता है हो पाएगा क्या? क्वीन कहीं पे गायब हो गई है, टाउन हॉल टेकडाउन नहीं हुआ है और मेरे पास हीलिंग स्पेल नहीं है। गाइस ये लिख के देता हूँ 100% नहीं होगा। मेरे पास गलती से 3 हेड स्पेल आ गया यार, मेरे पास मतलब 3 हीलिंग स्पेल होना चाहिए था लेकिन 3 रेड स्पेल आ गया। ओ मर गया मेरे सारे के सारे हॉक्स। 79% विद 1 स्टार, इतना घटिया अटैक मैं कैसे कर सकता हूँ यार? इस वन पंच ने मेरे मुंह पे पंच मार दिया। तो अभी फिलहाल हमने एक अटैक कर लिया है तो हमारे पास उतना लूट हो गया है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। सबसे पहले लैबोरेटरी में मैं ये को डालने वाला था तो इसको डाल देते, ये जाएगा 14 डेज के लिए। 1 2 3। तो अब हमारे पास लूट तो है नहीं कुछ, एलिक्सर गोल्ड डार्क एलिक्सर सब खत्म हो गया। तो अभी बढ़ते हैं हमारे लास्ट वीडियो के टॉप 5 कमेंटर्स की ओर। तो हमारे लास्ट वीडियो के सबसे पहला कमेंट आता है, माय स्टोरी इज जस्ट सेम एज यू, जस्ट अ डिफरेंट इज दैट माय फ्रेंड रिकमेंडेड दिस गेम टू मी व्हेन माय फादर बॉट अ न्यू सैमसंग गैलेक्सी कोर प्राइम फोन इन 2015। तो यस जहां तक मैं जानता हूं ज्यादातर लोगों को गेम्स के बारे में उनके दोस्त मतलब दोस्त या फिर रिलेटिव्स वगैरह से पता चला है, क्योंकि कोई भी बंदा अपने से जाके कोई प्ले स्टोर पे डाउनलोड तो नहीं करेगा। नेक्स्ट कमेंट आता है, सेम एज कॉट, मेरा भी इंस्पिरेशन थे मेरे भाई, दिस इज माय फर्स्ट ऑनलाइन गेम। बिल्कुल भाई मेरा भी फर्स्ट ऑनलाइन गेम था क्लैश ऑफ क्लैंस एंड इट वॉज रियली क्रेजी गेम, क्योंकि इतना ज्यादा एडिक्शन मेरे को आज से पहले किसी भी गेम ने नहीं किया था। नेक्स्ट कमेंट आता है, माई ड्रीम इज टू मीट कॉट एंड गेट अ हार्ट फ्रॉम दिस फर्स्ट टाइम। तो ब्रो सॉरी मिल तो नहीं पाएंगे लेकिन आपको हार्ट मिल चुका है ब्रो, एंड शाउट आउट टू यू। और फिर कमेंट आता है, 2019 से स्टार्ट किया, दैट्स रियली नाइस यार, मतलब आपने मतलब पिछले ईयर से शुरू किया, मतलब आगे अब मेरे ख्याल से आप मुश्किल से भी टोटल 5-6 पे हो गए, तो आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि अभी आपने शुरू किया तो आपके लिए गेम और मजेदार हो गया होगा, क्योंकि हमारे टाइम पे मैजिक आइटम वगैरह नहीं थी तो हमें बहुत बोर
तो लगता था मगर मजा भी बहुत ज्यादा था, अभी तो और मजा आता है। और नेक्स्ट मिनट आता है क्लैश ऑफ क्लैंस ऑलवेज इन अवर हार्ट आई स्टार्टेड इन 2016 योर स्टोरी इज रियली सेम लाइक मी माई टोनल 5 आईडी लॉस्ट। मेरा भी एक आईडी लॉस्ट हुआ था जो मेरा टोनल 6 का था। लेकिन देखो यार कोई बात नहीं, अभी अगर आपने न्यू आईडी बना लिया होगा मेरे ख्याल से, तो तुम 16 से खेल रहे हो तो ऑफकोर्स आपके पास एक टोनल 11 या 12 मैक्स आउट होगी मेरे ख्याल से, तो उसी को एंजॉय करो यार, हो जाता है। स्टार्टिंग में कुछ पता नहीं होता तो कभी कभार लूज हो जाता है। सो यस गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, हमेशा बोलता हूँ लाइक करने के लिए, तो लाइक करो गाइज। और सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप मेरे चैनल पर नए हो। अगर आप ऐसे अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मैं मिलूंगा आपको अगले एपिसोड में ऐसे कुछ अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइज एज यूजुअल हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो क्लैश ऑफ टाइटंस।